इसमें पहला प्रोजेक्ट है जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल। आप देखते हैं जमशेदपुर और आसनसोल गोइंग वाया पुरुलिया, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है। किस तरह से कि हावड़ा मुंबई और हावड़ा दिल्ली, दिल्ली हावड़ा और मुंबई हावड़ा, ये दोनों कॉरिडोर्स को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है बीच में। ये हाईली इम्पॉर्टेंट और मतलब कंप्लीट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ये जो अपना इधर झारखंड और उसके नीचे उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इनको कनेक्ट करने वाला पूरा का पूरा ये कॉरिडोर है। तो यहाँ के लिए थर्ड लाइन, जिस क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन फुली यूटिलाइज्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ के लिए थर्ड लाइन प्रोजेक्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। और अगर स्केच फॉर्म में देखें तो ये ऐसा है, 121 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है ये और 2170 करोड़ रुपीज़ का इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि पूर्वोदय से देश का उदय होगा, ये उस विजन के अनुरूप है। और कंप्लीट दुर्गापुर, बर्नपुर, आसनसोल, इसमें जो स्टील इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, और जमशेदपुर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, इन दोनों को कनेक्ट करने से लोगों का मूवमेंट भी, पैसेंजर मूवमेंट भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, मशीन है, उसका मूवमेंट भी स्मूथ होगा। इस प्रोजेक्ट की एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखनी चाहिए, इस प्रोजेक्ट से जो एडिशनल कार्गो रोड के बजाय रेल पे शिफ्ट होएगा, अगर उससे कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग अगर हम देखें तो CO2 एमिशन सेव्ड इज 74 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और उसको अगर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ट्रीज में अगर हम माने, दैट मींस दैट इज लाइक प्लांटिंग 3 करोड़ ट्रीज।